तो गाइस यहाँ पर आप एच पैनल सी पैनल का डेमो यहाँ से थोड़ा बहुत देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इमेज क्वालिटी डाउन है। तो मैं यहाँ पर लाइव आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हो मैं होस्टिंगर यूज़ कर रही हूँ, तो होस्टिंगर का पैनल यहाँ से आप देख सकते हो कैसा यहाँ पर लुक आ रही है वगैरह। यहाँ पर वेबसाइट होस्टिंग ईमेल डोमेन और SSL ऐसे आ रही है, ऐसे आपको देखने के मिलेगा। ठीक है, एक अभी नया लुक है, तो पुराने वाला कुछ अलग था। ठीक है, और सी पैनल कुछ इस टाइप का होता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे आप लोग एच पैनल और सी पैनल का PHP वर्सन कैसे, अपर वर्सन और लोअर वर्सन में कैसे आप लोग अपडेट कर सकते हो, और अगर लेटेस्ट वर्सन इंस्टॉल करना चाहते हो वो भी कैसे कर सकते हो। अगर आप लोग WP सेफ लिंक वगैरह एड फ्लाई लिंक वगैरह स्किप इंस्टॉल करना चाहते हो, और WP सेफ लिंक का जो प्लगइन है उसको इंस्टॉल करना चाहते हो, तो जैसे 7.4 या ऐसे ही कुछ टाइप का आपको इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो इसलिए PHP वर्सन को चेंज वगैरह करना पड़ता है। दोस्तों चलिए देखते हैं आप लोग कैसे उसको चेंज कर सकते हो। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल में नए हो, दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव यहाँ पर वीडियो आता है। और दोस्तों सब्सक्राइब तो बिल्कुल फ्री है, आप कर सकते हो, इसमें कहीं पैसा वगैरह नहीं लगता। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो तो मेरा 8 वेबसाइट यहाँ पर होस्ट हो रही है। यहाँ पर क्लिक करके मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ वेबसाइट को, नहीं तो यहाँ पर वेबसाइट आपको दिख रही है, यहाँ पर क्लिक करके भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा बहुत सारे वेबसाइट। ठीक है, और होस्टिंग जो है यहाँ से भी आप देख सकते हो। तो आप होम पेज से ही मैं दिखाऊंगा यहाँ से। तो पहले मैं एच पैनल का ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी आप एच पैनल के अंदर जिस वेबसाइट का आप PHP वर्सन चेंज करना चाहते हो, तो उसका यहाँ पर जो मैनेज है, मैनेज पे क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे URL ST मैनेज यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ मैंने, और इसको भी क्लिक कर सकता हूँ। मैनेज पे मैं क्लिक कर रहा हूँ अभी। ठीक है, क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको इस साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर हल्का सा स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ पर आपको एडवांस यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना होगा। ठीक है, करने के बाद यहाँ पर आपको PHP कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ओके, PHP कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करना है आपको। तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा जितने सारे यहाँ पर PHP वर्सन है, तो और भी सारे अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करना हो। तो यहाँ से आपको 5.2 से लेकर 8.1 लेटेस्ट वर्सन तक, तो आप जिसको भी अपग्रेड करना चाहता हो, जिस वर्सन को आपका ज़रूरत है उसको यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर कोई एड फ्लाई लिंक का अगर मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो अभी तक 8.0 8.1 पे काम नहीं हो रही है, तो 7.4 ही अभी चल रहा है। ठीक है, तो 7.4 में सिलेक्ट करके यहाँ पर अपडेट कर देना है। तो 7.4 मेरा पहले से अपडेट है, तो इसलिए अपडेट शो नहीं हो रही है। तो अभी मैं इसको लेटेस्ट वर्सन करके यहाँ पर देख सकता हूँ, अपडेट करके मैं दिखा दूँगा अभी। तो यहाँ पर मैं लेटेस्ट वर्सन सिलेक्ट किया 8.1, उसके बाद अपडेट पर क्लिक किया। ठीक है, फिर यहाँ पर कन्फर्म, तो मेरा जो लेटेस्ट वर्सन था वो इस वेबसाइट में मेरा अपडेट हो गया है। तो ऐसे करके आप इसके अंदर चेंज कर सकते हो। और जो PHP एक्सटेंशन है, ठीक है, कोई अगर इंस्टॉल करने के लिए जो एक्सटेंशन लगता है, सोचो आप लोग अगर कोई एड फ्लाई का जो स्किप इंस्टॉल कर रहे हो, तो उसमें कुछ रिक्वायरमेंट होता है, तो PHP में या पर PHP एक्सटेंशन में जाके उसको इनेबल कर सकते हो। जैसे इनको लोडर, इसको भी अगर WP सेव लिंक इंस्टॉल कर रहे हो, तो इसको भी ज़रूरत होता है। तो ऐसे करके यहाँ पर इनेबल करके सेव कर सकते हो एच पैनल के अंदर है। ठीक है, ये अभी मैंने देखा है जो एच पैनल के अंदर। ठीक है, यहाँ पर PHP ऑप्शन के अंदर बहुत सारे यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। और दोस्तों अभी मैं दिखाऊंगा सी पैनल के अंदर। तो सी पैनल कुछ ऐसे टाइप का दिखता है। तो उसके बाद आपको पहले यहाँ पर सर्च बटन मिलेगा, सर्च में जाके सर्च कर सकते हो PHP। तो सब कुछ यहाँ पर PHP में जितना भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर वगैरह है, सब कुछ यहाँ पर ऑप्शन वगैरह सब कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आपको फाइंड करना है सॉफ्टवेयर के अंदर सिलेक्ट PHP वर्सन, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद इस वाले विंडो ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ पर जो एरो दिख रहे हैं यहाँ पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको इतने टाइप का ऑप्शन होगा, तो यहाँ से आपको जो भी वर्सन को आपको चूज करना है कर सकते हो। अगर 8.1 तो 8.1, 7.4 तो 7.4, तो मैं फिलहाल 7.4 ही रखूँगा। उसके बाद क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पर सेव, यहाँ पर भी सेट ऑप्शन आ जाएगा, वो पर क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, सेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे करके आप लोग अपना जो PHP वर्सन है
सी पैनल या एच पैनल हो, दोनों की चेंज कर सकते हो। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें।